पहले मैं सभी जो मीडिया के हमारे साथी हैं, मैं उनका आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूं। और ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये ऑल जे एंड के प्लस टू लेक्चरर्स फोरम डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की ओर से मुनक्कद की जा रही है। जहां तक इस फोरम का सवाल है, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहता हूँ। ये जो फोरम है, ये हमारे जो जम्मू डिवीजन के हमारे प्रधान हैं श्री प्रदीप सिंह रखवाल, जो कश्मीर डिवीजन से हमारे प्रधान हैं शकील अहमद भट्ट साहब, रमेश सिंह सलाथिया जम्मू डिवीजन के हमारे चेयरमैन हैं, और फिदा गुलजार साहब ये हमारे कश्मीर डिवीजन के चेयरमैन हैं। तो ये पूरा यूनिट जो है, यूटी का यूनिट जो है, वो काम कर रहा है लेक्चरर्स की डिमांड को लेकर। न सिर्फ लेक्चरर्स बल्कि मैं कहूंगा कि प्लस टू ऑफिसर्स, प्लस टू कैडर के जितने भी ऑफिसर्स हमारे, राइट फ्रॉम लेक्चरर टू ज्वाइंट डायरेक्टर। मैं ये आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी लेक्चरर्स तक, सभी साथियों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि ये यूनिट जो है, ये फोरम जो है, ये न सिर्फ डीपीसी के लेक्चरर्स को रिप्रेजेंट करती है बल्कि ये पीएससी के लेक्चरर्स को भी रिप्रेजेंट करती है। ये एक अम्ब्रेला है जिसमें यूनिटी को हम उभार रहे हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि हाल ही में हमारे यहाँ इलेक्शन हुए हैं, जो एक बहुत ही खुशाइन बात है, हम इसका स्वागत करते हैं कि जो पॉपुलर गवर्नमेंट है वो वापस आ गई है। और हमारे जो ऑनरेबल सीएम साहब हैं, उन्होंने पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र किया है कि लोगों के मसले मसाइल जो है वो उनकी पहली प्रायोरिटी रहेगी। तो हम उनके इस स्टेटमेंट का स्वागत करते हैं। और आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम जो मैडम सकीना जी हैं, जिन्हें जो मिनिस्टर बनाई गई और उसके बाद उन्हें एजुकेशन का जो कलमदान है वो सौंपा गया, हम इस स्टेप का जो हमारी यूटी की गवर्नमेंट है इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं कि एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एक स्टेट्समैन, जिन्होंने पहले भी एज मिनिस्टर काम किया है, जब ये हमारी ये रियासत थी तब इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, तो उसके लिए हम उमर साहब का, जो हमारे ऑनरेबल सीएम हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और साथ में हाल ही में हमारे यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी साहब आए हैं, वो भी नए आए हैं, श्री सुरेश कुमार गुप्ता जी, हम उनका भी आज यहाँ इस प्रेस वार्ता के माध्यम से उनका भी स्वागत करते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि किश्तवाड़ के अंदर बहुत सारे ऐसे भी वैकेंट पोस्ट हैं लेक्चरर साहिबानों की, आखिरकार उन्हें फिल क्यों नहीं किया जा रहा है? मैं उसी बात पे आऊंगा। देखें, कई अरसा दराज से जो एक प्रमोशन का सिलसिला है, रेगुलराइजेशन का सिलसिला है, वो रुका हुआ है। हालांकि जब हमारे मास्टर्स जो हैं वो प्रमोट होते हैं, लेक्चरर बनते हैं, इंचार्ज लेक्चरर बनते हैं, उनके प्रमोशन आर्डर में ये लिख दिया जाता है कि वो 6 महीने के अंदर रेगुलराइज होंगे। लेकिन हमें भी समझ नहीं आता कि वो 6 महीने कभी खत्म ही नहीं होते हैं, और वो 6 महीने इंतजार करते करते सालों बीत जाते हैं और उसकी जो है, हमारे इंचार्ज लेक्चरर्स जो है वो रेगुलराइज नहीं होते हैं। और मैं कहता हूं कि ये ह्यूमन राइट्स की बहुत जबरदस्त वायोलेशन है। तो अब क्योंकि सकीना जी जो हैं, उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट का कलमदान संभाला है, हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि जो पिछले कई सालों से हमारे इंचार्ज लेक्चरर्स जो हैं, जो रेगुलराइज नहीं हुए हैं, उनको रेगुलराइज किया जाए, फौरन से फौरन उन्हें रेगुलराइज किया जाए। क्योंकि कई सालों से क्या सिस्टम चल रहा है कि बार बार एपीआर मांगे जाते हैं, बार बार इंटीग्रिटी मांगी जाती है, बार बार नई नई फॉर्मेलिटीज मांगी जाती हैं, और 5 या 6 महीनों के बाद दोबारा उसी प्रोसेस को शुरू कर दिया जाता है। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो इंचार्ज लेक्चरर्स हैं वो बजाय इसके कि वो दफ्तरों के चक्कर लगाएं और अपना दिमाग, अपने अपनी जो कुवत है वो वहां लगाएं, हम चाहते हैं कि उसके बजाय वो अपना काम करें। और सरकार से हमारा निवेदन है कि वो उनकी ये वाली जो पहली मांग है रेगुलराइजेशन की, इसको पूरा करें। आप इससे पहले भी कई बार, चाहे आप चीफ सेक्रेटरी की बात करें हम, या फिर यहाँ के जितने भी सियासतदान रहे, उनसे आपने मुलाकात की, आखिरकार क्या वजह है कि आपकी इस जायज मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की बात करें या फिर यहाँ के जितने भी सियासतदान रहे हैं? तो आप जैसे जानते हैं कि यहाँ हाल ही में आप जानते हैं कि ब्यूरोक्रेसी यहाँ थी, हम ब्यूरोक्रेसी के हर द्वार पे गए, हम चीफ सेक्रेटरी तक भी गए, हमारे आलोक जी रहे यहाँ पे। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे पीछे एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी साहब रहे, सिंगला साहब। मैं सिंगला साहब का इस प्रेस वार्ता के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं जो हमारी एजुकेशन मंत्री हैं मैडम सकीना जी, मैं उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि जो हमारे सिंगला साहब है, उन्होंने ये रेगुलराइजेशन का मुद्दा है ये ऑलमोस्ट रिजॉल्व कर लिया है, ये बिल्कुल दहलीज पे है रेजोल्यूशन की।
सिर्फ आप मैडम के नॉड की जरूरत है, एक इशारे की जरूरत है। और हमारे जो सेक्रेटरी साहब नए आए हुए हैं गुप्ता साहब, उनके बारे में भी मैंने सुना है कि वो बहुत ही अपराइट ऑफिसर है। और ये जो एक नया एक कॉम्बिनेशन आया है डिपार्टमेंट में, मुझे उम्मीद है कि रेगुलेशन का जो मुद्दा है ये एक महीने के अंदर जो है रिजॉल्व होगा और होना भी चाहिए। डिमांड है ACP अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन की। अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन का जहां तक सवाल है, हमारे देखें जो नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज हैं डिपार्टमेंट में, उन्हें 9 साल के बाद टाइम बाउंड प्रमोशन दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जो हमारे सिविल सर्विसेज में लोग हैं, चाहे वो IAS के हैं या KAS के, उन्हें रनिंग रेट है। लेकिन वाहिद एक कैडर ऐसा है हमारा, लेक्चरर्स का कैडर ऐसा है, +2 ऑफिसर्स का एक कैडर है, जिनके लिए न टाइम बाउंड का कोई प्रोविजन है और ना ही कोई रनिंग रेट का प्रोविजन है। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सकीना जी का मोदबाना गुजारिश करते हैं कि या तो कोई रनिंग रेट का यहां प्रोविजन किया जाए या टाइम बाउंड प्रमोशन का प्रोविजन किया जाए हमारे +2 ऑफिसर्स के लिए। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिमांड, एक बहुत ही जरूरी जो है, मैं यहां पे इस वार्ता में कहना चाहता हूं कि हमारे बहुत से हायर सेकेंडरी स्कूल जो हैं यूटी में, पूरी यूटी में, वो हेडलेस है, उनमें कोई भी प्रिंसिपल नहीं है। और जो स्कूल हेडलेस होता है, मैं हमारा ये मानना है इस फोरम का कि वो स्कूल जो वो बिल्कुल डिफंक्ट होता है। तो आज मैं बड़ी मुदबरा गुजारिश करना चाहूंगा अपनी सरकार तक, उमर साहब तक, सकीना मैडम जो हमारी नई एजुकेशन मंत्री हैं उन तक, इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं बड़ी मुदबरा गुजारिश करूंगा कि हेडलेस स्कूल जो है उनमें प्रिंसिपल तैनात किए जाएं। हमारे बहुत से सीनियर लेक्चरर्स हैं, उन्हें प्रमोट किया जाए, हाई स्कूल्स हैं, हेडमास्टर्स की, उनको प्रमोट करके जो है वो प्रिंसिपल बनाया जाए, ताकि हमारे स्कूल जो है वो आबाद हो जाएं, वो हेडलेस होने से बच जाएं। और जो तालीम का निजाम है, सरकार भी चाहती है, सरकार की ये मंशा है कि ये सेक्टर जो है ये बहुत, इसमें बहुत परेशानियां रही है, तो इस सेक्टर में उन्हें कामयाबी मिले। जी बिल्कुल, आपकी जो ये जानकारी है वो बिल्कुल सही है कि जो विंटर जोन एरियाज हैं हमारे इस यूटी में, वहां पे पहले जो एग्जामिनेशन का सेशन होता था वो अक्टूबर नवंबर में होता था। और इसका एक बहुत बड़ा फायदा था, उसका बहुत बड़ा फायदा ये हो जाता था कि अक्टूबर नवंबर में ही नई क्लासिफिकेशन हो जाती थी, हमारे बच्चे नई क्लास में आते थे, और सर्दियों का एक बड़ा टाइम मिलता था उनको सेल्फ स्टडी करने का या कोई प्राइवेट कोचिंग करने का। और जो ही वो मार्च में हमारे पास आते थे तो एकदम से हम क्या करते थे, क्लासे लग जाती थी और उनका बहुत ज्यादा टाइम जो है वो बच जाता था और वो अच्छे से अपनी तैयारी करते थे। तो आज हम इस प्रेस वार्ता में बैठे हुए हैं, बहुत से साथी हमारे हैं, संदीप जी मेरे साथ यहाँ पे हैं, ये बहुत ही सीनियर लीडर हैं, हमारे मसूद साहब काजी हैं, ये एडवाइजरी कमेटी के मेंबर हैं, हमारे सुनील जी बहुत ही सीनियर लीडर हैं, अमरजीत जी कोतवाल जो है ये ट्रेजरर हैं, हमारे साथ में सुरेश जी मट्टू हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट हैं, हमारे वानी साहब हैं, ये बहुत ही सीनियर लीडर हैं हमारी फॉर्म के, जगदीश जी जो हैं ये हमारे एडवाइजर हैं। तो आज इन सब जो महानुभव हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनकी मौजूदगी में मैं गुजारिश करना चाहूंगा इस मंच से अपनी सरकार से कि विंटर जोन में जो एग्जामिनेशन का सेशन है वो पहले की तरह अक्टूबर नवंबर में किया जाना चाहिए। और रेगुलेशन के मुद्दे में मैं एक बात थोड़ा सी और ऐड करना चाहूंगा कि बहुत से हमारे ऐसे इंचार्ज लेक्चरर्स हैं जो रेगुलराइजेशन का इंतजार करते करते या तो रिटायर हो गए या दुनियाए फानी से चल गए। और उसके बाद हुआ क्या कि उनकी जो फैमिलीज हैं, उनके जो आगे ये फैमिली पेंशनर्स हैं, वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं क्योंकि नई फिक्सेशन होने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इसलिए मेरी बहुत ही मुदबाना गुजारिश है कि ये एक इमोशनल इश्यू है रेगुलराइजेशन का, ये सिर्फ इंचार्ज लेक्चरर्स की रेगुलराइजेशन नहीं है, ये हमारे प्रिंसिपल साहिबान के रेगुलराइजेशन का भी मुद्दा है, सीओ कैडर के जो लोग हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर कैडर के लोग जो हैं। तो हमारी बड़ी गुजारिश रहेगी कि जो ही सरकार जो है कभी भी कोई प्रमोशन करती है तो जिस दिन उसकी प्रमोशन हो उसी दिन से उसको रेगुलराइज किया जाए, और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो 6 महीने का जो सरकार खुद कहती है कि 6 महीने के अंदर वो ऑटोमेटिकली रेगुलराइज होने चाहिए, उसको माना जाए। ये मेरी बहुत ही मुबारक गुजारिश है।